वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आ गए हैं आइकिया से। आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा होगा कि हम लोग आइकिया गए थे। वो इतना बड़ा स्टोर है कि मेरे को दो पार्ट में वीडियो डालनी पड़ी, और जो वहाँ से सामान लाया मैं उसका आज इस वीडियो में हॉल डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती वो और फिर आप लोग भी बोर हो जाते, तो इसलिए हम लोग, क्योंकि और वैसे भी मेरे फ़ोन की बैटरी इतनी डाउन हो गई थी कि मैं उसके बाद वहाँ पे कोई वीडियो बनाती तो पॉसिबल नहीं था। तो अब घर आए तो हमने सोचा कि अलग से हॉल वीडियो बना देते हैं। तो आइकिया स्टोर के बारे में मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो हम वहाँ से लाए वहाँ से कुछ सामान। इस बैग में ये आइकिया देख लीजिए, भाई आइकिया का टैग है, और वो कहते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टोर है, फर्नीचर स्टोर, लेकिन मैंने आज तक इतना बड़ा स्टोर कभी नहीं देखा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा इतना बड़ा स्टोर, और हम लोग तो थक ही गए थे। मैंने शायद 50% अभी आपको दिखाया है, एक्चुअली मैं 50% ही दिखाया है, उससे ज़्यादा मैं नहीं रिकॉर्डिंग कर पाई क्योंकि थक रहे थे। हम लोग वहाँ अरेस्ट कर रहे थे और पता नहीं था हम लोगों को रास्ता, तो हम घूम फिर के वही वापस आ जा रहे थे। तो मतलब एक बार में पॉसिबल नहीं है वहाँ पूरा घूमना, तो हम शायद दोबारा जाएंगे तो बाकी की चीज़ आपको तब दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ वहाँ मैंने, हम सबसे पहले गए थे, सबसे अरे कहना क्या चाहते हो, पहले गए थे कारपेट और ऐसी सेक्शन में नहीं। नहीं, तो वहाँ पे मुझे ये डोरमैट दिखा, ये कलरफुल डोरमैट, यह वहाँ सब लोग ले रहे थे, ये बहुत सुंदर लग रहा था। और ये सिर्फ 199 का है ये वन, तो इसलिए मैंने ले लिया ये। मतलब क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है 199 के हिसाब से, नॉर्मली मिलते नहीं है इतने सस्ते। वैसे इसका प्राइस तो कुछ और लिखा हुआ है इस पर, एक्चुअली इसमें नंबर इतने सारे लिखे हुए पता नहीं लगता कि प्राइस कहाँ पर है, आप खुद देख लीजिए नंबर है, लेकिन इसमें प्राइस कहीं भी नहीं है कुछ भी। लेकिन ये हमें 199 का मिला है। इसके जो स्क्वायर फिट है इसकी है 40x60 cm, बट ये अच्छा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसलिए हमने ले लिया। उसके बाद हमने लिए ये स्पून, ये आपको स्टोर के हर कॉर्नर में आपको मिलेंगे ये ऐसे ऐसे कलरफुल स्पून्स और प्लेट्स, बच्चों के लिए बाउल्स, ग्लासेस, ऐसी चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी, और वो भी बहुत सस्ती। ये सिर्फ हमें, हाँ ये हमें सिर्फ 19 rupees में मिले हैं, देख रहे हो आप, और इतनी अच्छी फूड ग्रेड प्लास्टिक में है तो प्लास्टिक में लेकिन फूड ग्रेड है। E4 कलर है, येलो, पर्पल, ऑरेंज और ग्रीन, और ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है, देखने से आपको पता लग रहा होगा, तो ये अच्छे लगे। उसके बाद ये स्पॉन्ज है बर्तन मांजने वाले, तो मेरे को ये वाले स्पॉन्ज बर्तन मांजने के लिए परफेक्ट लगते हैं, मैं खुद ही बर्तन मांजती हूँ। आजकल सभी लोग मांज रहे हैं, तो ये बेस्ट लगे मुझे क्योंकि मेरे को यही पसंद है, इसलिए मैंने दो ले लिए। और ये इस पर, हाँ इस पर प्राइस लिखा हुआ है, इस पर 69 लिखा हुआ है प्राइस, लेकिन ये हमें 20 rupees ईच मिला है ना, ये हमें 20 rupees ईच मिला है, तो हमने दो ले लिए। इसलिए जब सस्ता है, सेल चल रही है, तो फिर फ़ायदा उठाओ। और उसके बाद हमें ये दिखा, ये क्या है, ये वो है एक रबड़, सिलिकॉन है, रबड़ है, अरे कहना क्या चाहते हो, एक मैट है जैसे कि स्लिप वगैरह पे हमें बिछाना होता है जहाँ पे, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, जैसे प्लास्टिक वगैरह बिछाते हैं उस तरीके से यूज होता है। इसको आप निकाल लीजिए और ड्रॉर वगैरह में बिछाने के लिए,
उसके साइज़ के हिसाब से कट करके उसमें रख दीजिए। तो ये इसलिए काम आता है, ये रोल है और ये है 150x50 cm का। और इस प्रोडक्ट का नाम है वेरिएरा। इस पे MRP है 279, लेकिन ये सिर्फ 199 का मिला है हमें। उसके बाद है ये कुछ और स्पून्स, इसके ऊपर भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है। और ये हाँ, ये इतने सारे कलरफुल स्पून्स हैं इसके अंदर। ये भी फूड ग्रेड प्लास्टिक में है। इसमें ये पूरी कटलरी है। अगर पिंक कलर का स्पून है तो पिंक कलर का फोक है और पिंक कलर की बटर नाइफ है। ऐसे ही कलरफुल है। ये भी मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगे और ये सिर्फ 99 के हैं। क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ये बटर नाइफ है। ये सिर्फ 99 का था। उसके बाद हाँ, ये मैंने बहुत वीडियोस वगैरह में देखा है कि अगर आपके कपड़ों पे या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे बाल वाल लग गए हैं तो ऐसे आप करोगे, इसको रोल करोगे तो इसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा। जैसे अगर कोई पेट वगैरह के साथ आप खेलते हो और या फिर कोई भी ऐसा डस्ट हो जो आप कपड़े से रिमूव करना चाहते हो तो इससे रिमूव हो जाता है, इसलिए मैं लेके आई हूँ इसको। और ये सिर्फ हमें कितने का मिला है, ये भी डिस्काउंट में था, 137 का है, लेकिन हमें मिला है सिर्फ 99 का। वे डिस्काउंट पे था इसलिए ले लिया। वो चलते हैं आगे अगले प्रोडक्ट पे। अगला प्रोडक्ट है ये वाइट बोर्ड मार्कर। ये 4 कलर्स में है और साथ में है डस्टर। मेरे बेटी के पास वाइट बोर्ड है तो, और इसका MRP है 119, लेकिन हमें ये कितने में मिला है, 99 में सिर्फ। देख रहे हो MRP के मुकाबले कितना कम है इसका सेल प्राइस। खोल के देखना, और 4 कलर्स में है और यहाँ से डस्टर है ये भी। तो देख लिया, सिर्फ 99 में इतनी चीज़ें मिलना बच्चों के लिए इट्स गुड थिंग। अगर आप नवी मुंबई में रहते हैं तो ज़रूर जाइए IKEA। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एड्रेस मेंशन कर दूंगी, तो गो एंड चेक इट। उससे जो नेक्स्ट था वो भी हमें मेरी बेटी ने लिया है, वो है एक ये 2 सीजर्स है, एक ये कटिंग सीजर है और एक ये है कुछ ज़िगज़ैग कट करती है। ये ऐसी सीजर है जो कटिंग सीजर होती है और एक ये ज़िगज़ैग वाली है। इसका भी जो प्राइस है वो है 519, लेकिन ये भी 99 में मिली है। उसके बाद हमने ये ब्रश लिया, ये ऐसे ले लिया कि मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए। ये सिर्फ 39 में मिला इसलिए हमने ये ले लिया कि किसी भी काम आ सकता है, क्योंकि छोटा सा ब्रश है, शिंक के अंदर भी क्लीन करने के काम आ सकता है और छोटी छोटी चीज़ें जो सेल्फ वगैरह पे कॉर्नर वगैरह मलने के काम आ सकता है, तो इसलिए हमने ये ले लिया सिर्फ 39 में। उसके बाद हम जाते हैं टी पार्टी पे। ये मिनी कप है और ये मिनी सॉसर है। ये दोनों सेट मिला है हमें 169 में दोनों थे ये सिर्फ। और जबकि इसके ऊपर भी कप के ऊपर भी MRP लिखा हुआ है 345 और प्लेट के ऊपर भी 345 लिखा हुआ है। ये दोनों 345 लेकिन मिले 169, तो इसलिए ले लिया। और उसके बाद हम वहाँ पे जो कैंडल सेक्शन था ना, अरोमेटिक कैंडल्स, तरह तरह की कैंडल्स, हर तरह के फ्रेग्रेंस वाली, अरोमा वाली, आपको जैसी भी कैंडल चाहिए वहाँ मिल जाएगी। हमने तो यहाँ वहाँ पर ली, ये भी डिस्काउंट में थी। इसका जो MRP है 866 है इसका MRP, और ये सिर्फ हमें 145 में मिली है। और ये 24 कैंडल्स हैं
ये टी लाइट कैंडल्स हैं, किसी भी ग्लास में, ग्लास वगैरह तो हमारे पास होते ही हैं, मेरे पास है ग्लासेस, तो उसके अंदर जला दो। और उसके बाद हमने ये वहाँ डिस्प्ले में लगा हुआ था, ये पसंद किया था लैम्प, इसका वाइट कलर लगा हुआ था डिस्प्ले में, और ये 866 का MRP है, और ये मिला है सिर्फ 499 का। तो इसको खोल के देखते हैं, इसमें हमें डाउट है कि इसके अंदर बल्ब है या नहीं है। डिस्काउंट है, हर चीज़ पे डिस्काउंट है, अब जाओ और चेक करो। हो गई ना, जिस बात का डर था वही गड़बड़ हो गई ना। जब हम लैंप लेके आए हैं वो पैक है, हमें कैसे पता चलेगा उसमें बल्ब है कि नहीं है। आप लैंप लेके आएंगे, सोचेंगे कि हम रात को जला के सोएंगे, लेकिन जब खोलेंगे उसको तो उसमें बल्ब ही नहीं होगा, तो क्या खाक जलाएंगे। उन्हें बताना चाहिए ना कि इसको, इसके साथ आपको बल्ब लेना पड़ेगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, माइनस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट है। पर हाँ, जो भी देख रहा है वो ध्यान रखे, अगर आप ऐसा कुछ लेके आ रहे हो पैक लैंप वगैरह, तो उसका अगर उसमें आपको लगता है कि बल्ब होना चाहिए तो एक बार चेक कर लो या फिर पूछ लो और बल्ब ले लो। आप कल इसको यूज़ करें क्या? चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल और गुड नाइट। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों का शेयर करना अगर इन्फॉर्मेशनल लगे तो। बाय बाय।